सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की पार्टी गर्ल अमांडा अरबीब को ड्रग्स चोरी समेत चार आरोपों में फिर से अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि कस्टडी के दौरान भी तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अमांडा ड्रग्स की लत का शिकार होने के बाद चोरी करने लगी थी। उसे क्रेडिट कार्ड और ईमेल की चोरी के आरोप में भी पिछले साल अरेस्ट किया गया था। इसके साथ ही उसे नशे की हालत में अपने अंडरगारमेंट्स में ड्रग्स छिपाकर ले जाते हुए पकड़ा गया था। हालांकि लत छोड़ने के बाद कुछ मामलों में पिछले साल उसे सजा से छूट मिल गई थी। अमांडा को सोमवार को बुरवुड लोकल कोर्ट में पेश होना था, जहां उसे एक पुराने मामले में प्रतिबंधित ड्रग्स रखने और कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था। सिडनी में बेलव्यू हिल की रहने वाली 26 साल की अमांडा पिछले काफी महीनों से रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रही थी और ड्रग्स की लत से छुटकारा पा चुकी है। पिछले साल चोरी में मामले में सजा का सामना कर रही अमांडा ने कोर्ट में कहा था कि वो चाहती हूँ कि दूसरे लोग उनकी गलतियों से सीखे। वो उनमें उम्मीद जगाना चाहती है कि रिहैबिलिटेशन संभव है। अमांडा ने कहा थी कि पिछले 7-8 महीनों में मैंने अपनी ड्रग्स की आदत से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। उसने अपनी माँ से मिले सपोर्ट के लिए भी लोगों को शुक्रिया कहा। डेली न्यूज ट्रेंड की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को और देखिए न्यूज कभी भी और कहीं पे भी।